दोस्तों नमस्कार। आज हम फिजियोलॉजी ऑफ रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन के विषय में बात करेंगे। क्योंकि आंवर क्यों नहीं गिरता है, उसके पीछे की फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आंवर नहीं गिरता है, उसके कारण, उपचार, ये सब हम पहले ही बहुत सारे वीडियो में, अन्य वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो हम पूरा शुरू करने से पहले, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जेर गिरने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। तो जब वह सामान्य तरीके से गिराती है तो उसमें तीन प्रक्रिया लगती है, जैसे मैकेनिकल प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस और हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैकेनिकल प्रोसेस में प्लेसेंटा की खून की वाहिकाएं जो है कोलैप्स हो जाती हैं और विलाई जो होता है छोटी और सिकुड़ जाती है, जो कि विलाई जो है कॉटिलीडन की सतह पर पाई जाती है। तो बच्चा देने के बाद यूट्रस पहले 48 घंटे बहुत तेज़ी से सिकुड़ता है, उसके बाद वह उतनी तेज़ी से नहीं सिकुड़ता है। यह सिकुड़ना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह अनावश्यक खून बहने से रोकता है। जब बच्चा देता है, जैसा आपको पता है कि खून बहुत बहता है, तो जब 48 घंटे बहुत तेज़ी से यह सिकुड़ता है तो ब्लड को रोकने से, ये बहने से रोकता है और प्लेसेंटा को बाहर निकालने में मदद भी करता है। और यूट्रस की जो पेरिस्टाल्टिक और कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स होती है इंडोमेट्रियम में, तो उसके द्वारा जो है खून के संचार की मात्रा को भी कम करते हैं। तो इंडोमेट्रियम में खून का संचार कम होने से क्रिप्स ऑफ कैरेंकल जो है ढीले पड़ जाते हैं कॉटिलीडन से, और जिससे कि विलाई ऑफ जो है ढीले पड़ जाते हैं और वह अलग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। विलाई ऑफ क्रिप्स और द क्रिप्स ऑफ कैरेंकल दोनों अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको जो है जेर को गिरने में मदद करते हैं। और रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन मुख्यतः तब होती है, यह केस तब हो जाता है जब कॉटिलीडन की विलाई और कैरेंकल की क्रिप्स अलग होने में असफल हो जाती हैं। तो इसका कारण जो है कि यूट्रस का संकुचन एवं कम खून का जो है संचार होता है। तो ये प्रोसेस है। अब एंजाइमेटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि कोलेजन, जो कि एडहेसिव मटेरियल होता है, वो जोड़ने का काम करता है कैरेंकल और कॉटिलीडन्स को। तो जब कैरेंकल और कॉटिलीडन के टूटने में गड़बड़ी हो जाती है, इसका मतलब कोलेजन जो है डिजॉल्व नहीं होता है, तो कैरेंकल और कॉटिलीडन एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तो आरओपी का केस बन जाता है। तो सामान्यतः जो है कॉटिलीडन स्रावित करता है कोलेजिनेज एंजाइम, जो कि कोलेजन को डिजॉल्व करता है और कैरेंकल और कॉटिलीडन को अलग करता है। तो जब कोलेजन डिजॉल्व हो जाएगा तो कॉटिलीडन और कैरेंकल ऑटोमेटिक अलग हो जाते हैं और जेर गिर जाती है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के द्वारा जो है ये जेर गिरता है। जब इन्हीं में एंजाइम और हार्मोन्स और जो है मैकेनिकली, जब इनमें गड़बड़ी होती, मैकेनिकली में इसका मतलब जब जानवर वीक होता है, या विटामिन ए और विटामिन ई और अन्य भी जो मिनरल्स हैं उनकी कमी होती है, तो जो है नहीं गिरता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।